पीथमपुर तहसील ग्राम खंडवा सागौर में हुए गोलीकांड और हत्या के प्रयास में फरार आरोपी राहुल पिता कान्हा चौहान उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम दर्जनपुरा थाना मानपुर जिला इंदौर को पुलिस थाना सागौर ने भाग निकलने के पूर्व गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल चौहान द्वारा पारिवारिक विवाद को लेकर अपने सगे साले विकास पिता देवराम मालविया की हत्या करने के मकसद से अवैध देसी पिस्टल से गोली मारी थी। गोली विकास मालविया के गले पर बाएं तरफ लगकर पार हो गई थी। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। घायल को तुरंत इलाज के लिए चोइत्राम अस्पताल इंदौर में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने आरोपी राहुल चौहान के विरुद्ध धारा 307 बाधवी का दर्ज किया। आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर आरोपी राहुल चौहान को ग्राम कुराना खेड़ी स्थित अपने निवासी स्थान के पास से गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल जब्त की गई। उक्त कार्यवाही के लिए धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह और पीतमपुर नगर पुलिस अधीक्षक हरीश मोटवानी के मार्गदर्शन में मामले की जाँच की गई, जिसमें थाना प्रभारी अंकिता सुल्या, प्रतीक शर्मा, महेश चंद्र मेवाड़ी, सुरेश जाट, प्रेम मालविया का सराहनीय कार्य रहा। पीतमपुर से संजय सोनगर। ऐसी विजुअल बना रहा भाई, कलर से बना रहा है। गांव में पिछले दिनों एक वारदात हुई थी जो बड़ी सनसनीखेज टाइप की थी। उसमें एक व्यक्ति ने जिसका नाम था राहुल, उसने जाकर के ससुराल में हंगामा किया, अपनी पत्नी को ले जाना चाहता था। उसका पारिवारिक कुछ विवाद चल रहा है, तो कुछ दिनों से पत्नी उसके पास रह रही थी, माता पिता के पास। तो उस बात पे से उनकी वहाँ कुछ कहा सुनी हुई, तो उससे उसने अपने साथ में लाए हुए पिस्टल से अपने साले को गोली मार दी, सगे साले के गले में गोली मार दी। तो जैसी सूचना मिली थी, उस सूचना पर सारा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।